मित्रों नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है। मित्रों आज जिस विषय पर हम लोग वीडियो लाए हैं उसका नाम है ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों इससे पहले कि हम अपने जो है विषय शुरू करें, हम देखते हैं ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा। मित्रों वैदिक काल में जब वर्णों का वर्गीकरण किया गया तो हमने देखा कि ब्राह्मणों को जो है प्रश्न फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि आपका जीवन तपस्या और साधना से भरपूर होगा, आपको हमेशा त्याग के लिए प्राथमिकता देनी है। और मित्रों उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मचर्य में पालन करना होता था। रोजी रोटी करने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती थी ताकि त्याग की भावना मन में हमेशा भरी रहे। और मित्रों इतना सब सहके भी उन्हें सदाचारी रहने के लिए जो है कहा जाता था, उन्हें रहना भी पड़ता था। और मित्रों त्याग की भावना हम देख सकते हैं, जब ऋषि दधीचि ने देवताओं के कहने पर अपना शरीर की जो पिंजर था, हड्डियां थी, वो दान कर दी थी। जीते जी जो थे वो मर गए थे। और इसके बाद मित्रों जो उस समय जो महान विद्वान हुए, जैसे चरक, जैसे सुश्रुत, जैसे कि आर्यभट्ट, जो अपने अपने विषय क्षेत्रों के पितामह कहे जाते हैं, वो भी ब्राह्मण जाति से थे। मित्रों उस समय जो विदुषियां थी, गार्गी, मिथिला और लोकमुद्रा और ये अपाला, तो मित्रों ये भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण जाति से आती थी। इसके बाद भी मित्रों ब्राह्मणों का योगदान कम नहीं हुआ। और मित्रों हम ये एक बात हमें सब सुनने को मिलती है कि ब्राह्मणों राजा नहीं हुए, ये ब्राह्मण जो है लैंडलॉर्ड नहीं मिले। तो मित्रों मैं आपको बता दूँ 15 से 20 डायनेस्टियाँ ऐसी हैं रही भारत में जो ब्राह्मण जाति ने शुरू की। और ना कि केवल उन्होंने अपनी दर्ज कराई बल्कि अपने राज में जो है राज्य में प्रचार प्रसार किया और सनातन धर्म की रक्षा की। मित्रों सबसे पहली जो डायनेस्टी है वो है शुंग वंश, जो कि पुष्यमंत्र शुंग ने स्टार्ट की थी। मित्रों एक समय आ गया था जब मौर्य राजा जो थे वो अहिंसावादी हो गए थे और यूनानों का आक्रमण काफ़ी बढ़ गया था। तो मौर्य के जो सेनापति थे ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने जो है मौर्य राजा आखिरी राजा का सिर काट दिया था और शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। मित्रों चाणक्य को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, चाणक्य ना होते तो आज हम मुगलों से पहले यूनानियों के गुलाम बन गए होते, हिटलर कभी नहीं हारता इंडिया आके। मित्रों इसके बाद जो थे एक करवा डायनेस्टी रही जो कि ब्राह्मणों की डायनेस्टी थी। इसके बाद मित्रों पल्लव डायनेस्टी रही। इसके बाद मित्रों दरभंगा डायनेस्टी रही, चालुक्य डायनेस्टी रही, ऐसी तमाम डायनेस्टियाँ थी मित्रों। और जब शिवाजी की डेथ के बाद जो राजा हुए मराठा, वो एक तरह से डिजूरे राजा थे, डिफेक्टो राजा जो थे वो पेशवा थे, जो अन्य सेना का काम देखते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। मित्रों पेशवा जो थे वो चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे और महाराष्ट्र के एक जो क्षेत्र है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। बाजीराव पेशवा पे बनी हुई फिल्म आपने जरूर देखी होगी कि किस आक्रमकता से वो उन्होंने मुगलों तक को उस समय जो है दांत कट्टे कर रखे थे। मित्रों मुगलों के टाइम में ब्राह्मणों की उपस्थिति कम नहीं हुई, बंदा बैरागी जैसे ब्राह्मण हुए जो मुगलों से लड़ते रहे। इसके बाद मित्रों आप देखेंगे मुगलों के जो राजा अकबर का जो वो था उसमें भी जो है ब्राह्मण काफी बड़ी संख्या में थे, 9 रत्न में से। और मित्रों हुमायूं के मरने के बाद जो राजा आते हेमू विक्रमादित्य, वो भी एक बड़ा वर्ग मानता कि ब्राह्मण कम्युनिटी से थे और बिना धर्म बदले उन्होंने शेरशाह सूरी के मरने के बाद राजकाज जो था अपनाया था। और मित्रों इसके बाद जब आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है 1857 वाले में, तो पहली गोली जो थी मंगल पांडे ने चलाई, काकता टोपे, नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी ब्राह्मण जाति से आते थे। मित्रों 1947 वाला जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा। आप देखेंगे अगर गरम दल की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चापेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के, तमाम ऐसे आपको ब्राह्मण क्रांतिकारी मिल जाएंगे जिन्हें आज़ादी की जो है पहली चिंगारी दिलाई थी। इसके अलावा मित्रों अगर हम नरम दल की बात करें तो लाला लाजपत राय, मालवीय जी, गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे तमाम नेता थे जो कि उस समय जो है अहिंसावादी तरीके से लड़ाई लड़े थे। मित्रों जब देश आज़ाद हुआ तो ब्राह्मणों का उस समय काफ़ी भारत निर्माण में काफ़ी योगदान रहा, जैसे कि जो पंडित नेहरू का परिवार था कश्मीर ब्राह्मण कम्युनिटी से आता था, मोरारजी देसाई का परिवार था वो जो था महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार से आता था, राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हराया था
वो भी बनारस के भूमिहार ब्राह्मण थे। इसके बाद भी मित्रों जो आगे समय आया, आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से, तमाम ऐसे नेता उभर के आए जो जो जिन्होंने अपना जीवन को जो है योगदान कर दिया। मित्रों आरएसएस भारतीय स्वयंसेवक संघ जो है अब तक इसके जितने भी वो रहे हैं सिवाय एक को छोड़ के, रज्जू भैया को छोड़ के, जितने भी इसके वो रहे हैं संस्था अध्यक्ष रहे हैं वो ब्राह्मणी थे और ब्राह्मणी रहे। मोहन भागवत जी भी इस समय जो है वो भी महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। और मित्रों जो भी आप आइडियोलॉजी देखते हैं या नई इंडिया में जो विचारधाराएं, उनके जनक भी ब्राह्मण रहे हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे समाजवादी रही हों। जैसे कि समाजवाद में आपने देखा राजनारायण जो थे और जनेश्वर मिश्रा जो थे, और चाहे वो कांग्रेस हो, सुरेंद्रनाथ चटर्जी पहले अध्यक्ष बने थे इसके। तो मित्रों आप देखेंगे ब्राह्मणों ने हमेशा अपने योगदान है, कला के क्षेत्र में ब्राह्मणों को बड़ा योगदान है मित्रों। चाहे कुमार सानू हो, चाहे किशोर कुमार हो, गुरुदत्त हो, सुनील दत्त हो, आशा भोसले हो, और खेल के क्षेत्र में तो सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील गावस्कर हैं, गौरव गांगुली हैं, विश्वनाथ आनंद हैं, ऐसे कई जो हैं ब्राह्मणों ने अपना जो है सनातन धर्म को या फिर अपने देश को बचाने के लिए योगदान दिया है। मित्रों अब हम अपने मेन विषय पर आ जाते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों इसके पीछे कई जो है वैदिक थ्योरी दी गई हैं। मित्रों एक थ्योरी जो है, आज जैसा कि आप जानते हैं चार वेद जो हैं वो हमारे वैदिक हिस्ट्री को समेटे हुए हैं। तो मित्रों इसमें ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है वो ये कहता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ब्रह्मा जो समस्त सृष्टि के पितामह हैं, उन्होंने अपने मुख से जो पहले मानव का निर्माण किया वो ब्राह्मण से, इसलिए मित्रों क्योंकि वो उसके मुख भगवान ब्रह्मा के मुख से आए तो वो वाचार प्रवृत्ति के थे और वो इंटेलेक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बनाया था। और इसीलिए आपने देखेंगे ज़्यादातर पुराने जमाने में ऋषि मुनि रहे वो ब्राह्मण थे। और मित्रों भगवान ब्रह्मा ने जो बाकी जो जैसे हाथों से क्षत्रिय हुए और ये उनके जो घुटनों से जो थे वैश्य पैदा हुए, तो इस तरह जो चार वर्णों का उन्होंने जिक्र किया है मित्रों, भगवान ब्रह्मा ऋग्वेद में जिक्र होता है। लेकिन मित्रों अंग्रेज फिलोसफर थे, जैसा कि वो जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो हमारा कल्चर को कोशिश करते हैं डिस्ट्रॉय करने का, तो वो एक ऑब्जेक्शन ये देते कि उसमें जाति प्रथा नहीं थी। मित्रों जाति प्रथा उसमें नहीं थी, अगर कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है या कोई है तो वो ब्राह्मण वर्ण में आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। विश्वामित्र जो कि एक राजपूत थे वो ब्राह्मण बन जाते हैं जब उनका माइंड चेंज होता है और उन्हें लगता है कि तपस्या से बड़ा जो है कोई धर्म नहीं है, अब वो अपना राज का छोड़ के जो एक राजपूत थे ब्राह्मण में वो हो जाते हैं। मित्रों यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भगवान परशुराम जो थे जो एक क्षत्रिय माता से जन्म लेते हैं, वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद भी जो है क्षत्रियों का कार्य अपना लेते हैं और समान न्यायकारी जो राजा थे उनका वध करने लगते हैं। तो मित्रों यहाँ पे उसमें वर्णों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वर्णों की वजह से जाति प्रथा आई है। तो मित्रों यहाँ कि जो जाति प्रथा या अत्याचार हुए उसके लिए ब्राह्मण दुखी हैं। मित्रों तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की उत्पत्ति, तो एक थ्योरी ये कहती है कि भगवान ब्रह्मा या ऋग्वेद में जो एक जो पर्टिकुलर नाम दिया गया पुरुषा जो है वो सृष्टि के निर्माण में जैसे प्रकृति है, प्रकृति जो है मैटर है और पुरुषा जो है वो उसका स्पिरिट है, तो पुरुषा के जो मुख से या भगवान ब्रह्मा के मुख से जो पहला वो निकला था वो ब्राह्मण थे। और मित्रों इसके एक तो थ्योरी ये कहती है, दूसरी थ्योरी ये है मित्रों कि भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके जो सात बेटे थे, सात कहीं जगह पे सात है कहीं पे जो है दस का भी जिक्र होता है, क्योंकि भगवान शिव के जो ससुर थे सती के पिताजी जो थे दक्ष, माँ सती के पिताजी जो थे प्रजापति, तो वो भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के जो थे पुत्र थे। तो और जो भगवान ब्रह्मा के सात बेटे हुए पुलह प्रचेष्टा और ये नारद और इस तरह से मित्रों उनके सात बेटे थे और एक बेटी थी सप्तरूपा। तो मित्रों इन सात बेटों से जो
सात बेटों से जो आगे वंश चले वो ब्राह्मणों के गोत्र में कन्वर्ट हुए, और जो ऋषियों ने तप साधना करके अपने किए वो भी गोत्र बने। तो मित्रों वहां से ब्राह्मणों के गोत्र स्टार्ट होते हैं। इसलिए जो जब भी आप रामायण में रावण के हिस्सा जब देखते हैं, तब वो भगवान ब्रह्मा से जब वरदान अमृत का मांगने आता है तब वो कहता है कि आप अपनी संतान को नहीं दे सकते। मित्र उसके रावण के जो दादा था ऋषि पुलस्त्य वो भगवान ब्रह्मा की संतान थे, और इसीलिए जो है ब्राह्मणों को भगवान ब्रह्मा की संतान कहा जाता है। और मित्रों जब ब्राह्मणों की ड्यूटीज की बात आती है तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र करके दो हमारी ग्रंथ हैं, उनमें हमें मालूम पड़ता है कि ब्राह्मणों की ड्यूटी क्या है। तो उसमें कुछ ड्यूटी जो मैंने पढ़ी थी कि टू प्योरीफाई योर सेल्फ, हमेशा अपने आप को शुद्ध रखिए, तो सदाचारी रखना है अपने आप को, आपको गलत उस पर नहीं जाना है, आपको सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है, और मित्रों ब्रह्मचार्य का पालन करना है एक सीमित उम्र तक, और मित्रों इस तरह की कई ड्यूटी परफॉर्म थी। तो मित्रों इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और हम जैसे जैसे इसमें स्टडी आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आपका मित्र द्वारा करूँगा।